क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 6.2 आरडी शर्मा का फोर्थ पार्ट है वाई इक्वल टू 2 कॉस एक्स माइनस वाई वाई। हमको इसका ग्राफ है। तो देखिए इसमें आपके दो ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आ रहा होगा, एक तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए वाला y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस माइनस a वाला, और दूसरा y इक्वल टू a एफ ऑफ x, ये वाला दो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट वाला हमें हम क्या करेंगे, पहले ये वाला लगाएंगे उसके बाद ये वाला। तो आप पहले क्या करो, पहले cos x का ग्राफ बना लीजिए। cos x का ग्राफ से क्लियर हो जाए तो cos x का ग्राफ कैसा बनता है, ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये आपका वन और ये थ्री पाई बाई टू, ये माइनस वन, ये माइनस थ्री पाई बाई टू, ओके ये ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू, ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू cos x का, ओके ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू cos x का। हमको ग्राफ किसका बनाना है, y इक्वल टू टू टाइम्स cos x माइनस पाई बाई टू का। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू cos x माइनस पाई बाई टू का, ओके हम पहले ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू। तो देखिए ये पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू और यहाँ पर फाइव पाई बाई टू, बस इतना काफ़ी होगा। माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस फाइव पाई बाई, ओके अब देखिए मैंने क्या बताया था कि जो भी एंगल में रहे उसे आप ज़ीरो के इक्वल करिए। तो यहाँ पे एंगल में क्या x माइनस पाई बाई टू, इसको ज़ीरो के इक्वल करिए, जो आपका x का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, सेंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटर। तो हमारा पाई बाई टू सेंटर हो गया, ओके क्या हो गया पाई बाई टू हमारा सेंटर हो गया। अब देखिए पाई बाई टू सेंटर हो गया, नेक्स्ट आपको करना क्या होगा कि जैसे पहले ये हमारा सेंटर हुआ करता था, ये इसको ज़ीरो के इक्वल किए तो सेंटर हमारा ये होता था। अब देखिए जब सेंटर हमारा पाई बाई टू हो गया ना तो सब चीज़ पाई बाई टू शिफ्ट कर जाएगा, क्या होगा ग्राफ पाई बाई टू एक्स एक्सिस में शिफ्ट कर जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या होता है, आपको तो बस पॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए पहले पाई बाई टू पर ज़ीरो होता था तो आपका जो x का वैल्यू निकला है ना वो सब इस हर पॉइंट पर ऐड कर दीजिए। तो आपका इस पॉइंट का वैल्यू जैसे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई, तो देखिए पाई बाई टू पर पहले ज़ीरो होता था, अब कहाँ पर ज़ीरो होगा पाई पर ज़ीरो होगा, तो ये पॉइंट पाई बना दीजिए। देखिए पाई बाई टू पर ज़ीरो, देखिए पाई बाई टू क्या है सेंटर, और सेंटर पर कॉस एक्स की वैल्यू वन होती है तो यहाँ पर वन हो जाएगा। उसी तरह से पाई बाई टू आप लोगे तो यहाँ पर रिप्लेस, आपको अगर आपको नहीं पता चला ना आप रिप्लेस करके देख लीजिए क्या होगा, पाई बाई टू लोगे तो हाँ वन ठीक है, पाई लोगे तो क्या होगा पाई बाई टू प्लस पाई, पाई बनेगा पाई पर, देखिए हमने पाई बाई टू लिया था तो पाई बाई टू पर ज़ीरो था तो अब पाई पर ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से अब थ्री पाई बाई टू पर ज़ीरो बताना तो आप क्या करो थ्री पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड कर दो तो ये हो जाएगा टू पाई, अब टू पाई पर ज़ीरो होगा, अब क्या होगा टू पाई पर ज़ीरो होगा, क्लियर है। और थ्री पाई बाई टू पर क्या होगा, थ्री पाई बाई टू पर थ्री पाई बाई टू पर माइनस वन होगा, क्यों होगा देखिए ये पाई है आपका, पाई पर माइनस वन है, पाई पर माइनस वन है तो पाई में अगर आप पाई बाई एड टू ऐड करोगे तो ये थ्री पाई बाई टू होगा, ओके तो अब थ्री पाई बाई टू पर
माइनस वन और टू पाई पर ज़ीरो। अब इधर आ जाइए, इधर आ जाओगे तो पहले माइनस पाई बाई टू पर ज़ीरो हो रहा था इधर साइड, अब कहाँ पर ज़ीरो होगा, माइनस पाई बाई टू में पाई बाई टू ऐड करोगे ये ज़ीरो हो जाएगा, तो अब ज़ीरो पर ज़ीरो होगा। ओके, अब देखिए माइनस थ्री पाई बाई, देखिए ये पर है माइनस पाई, तो माइनस पाई पर आ रहा है माइनस वन, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में पाई बाई टू ऐड करते जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, तो अब माइनस पाई बाई टू पर माइनस वन आएगा। क्लियर है, माइनस थ्री पाई बाई टू पर ज़ीरो आता था लेकिन आपका ग्राफ जो है वो पाई बाई टू शिफ्ट कर गया, तो पाई बाई टू इसमें ऐड कर दीजिए, तो इसमें पाई बाई टू ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई, क्या हो जाएगा, हाँ माइनस पाई हो जाएगा ना, हाँ माइनस पाई, तो माइनस पाई पर ये ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह से आप थ्री पाई बाई टू पर चेक करिएगा, ये वन होगा और यहाँ पर टू पाई पर ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, यहाँ से करो, ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू cos x माइनस पाई बाई टू का, ये हमारा ग्राफ बना है। ओके, लेकिन हमको ग्राफ बनाना किसका था, हमको ग्राफ बनाना था y इक्वल टू टू टाइम्स cos x माइनस पाई बाई टू का। ओके, तो देखिए cos x का रेंज, देखिए मैंने क्या बताया था, अगर आपका ये वाला चीज़ है ना y इक्वल टू a टाइम्स f ऑफ x, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेच और कंप्रेस, कंप्रेस अबाउट y एक्सिस, यही काम करते हैं, स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट वाई एक्सिस। तो देखिए कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस एक्स का रेंज माइनस वन से वन होता है, देखिए ये रेंज वाई में रेंज होता है, ये वाई है आपका और ये एक्स, तो माइनस माइनस वन से वन, देखिए ये वाला हमारा रेंज हो जाएगा, ये हमारा रेंज होता है। ओके, ये हमारा रेंज होता है। अब देखिए अगर हम एंगल में कुछ भी रखें फिर भी रेंज क्या होता है, सेम होता है। ओके, एंगल में कुछ भी रहे रेंज हमारा फिर भी माइनस वन से वन होता है, लेकिन हम दोनों साइड अगर टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब रेंज कहाँ शिफ्ट कर गया, टू टाइम्स शिफ्ट करेंगे, मतलब वन से अब ग्राफ ना बना के हम क्या करेंगे, टू से माइनस टू बनाएंगे और सेम बनाएंगे, बस इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे क्योंकि एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स में ग्राफ जो होता है वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है अबाउट वाई एक्स। क्लियर, अब देखिए बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप रेंज सेम रख दो, टू माइनस टू कर दो और उसके बाद जो ग्राफ यहाँ पर बना है वही बना दो, ये पाई 2 पाई पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और ये हो गया माइनस 2 पाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओके ये बन गया हमारा, किसका ग्राफ बन गया, वाई इक्वल टू टू टाइम्स कॉस एक्स माइनस
पाई बाय टू का। ओके देख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन द सेम स्केल। सेम स्केल मतलब सेम एक्सिस में, मतलब जैसे पीछे वाले केस में हम क्या किए थे कि देखिए कॉस एक्स का ग्राफ है, ये देखिए ये कॉस एक्स का ग्राफ है और ये हमारा वाई इक्वल टू टू टाइम्स कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू का है। ओके तो इन दोनों का ग्राफ हम एक ही एक एक्सिस में ही बनाएंगे, क्या करेंगे एक एक्सिस में ही बनाएंगे। ओके तो पहले आप एक्सिस बना लो, पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू और माइनस थ्री पाई बाय। तो हम पहले कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे, ये हमारा रेंज है वन और ये माइनस वन। अब देखिए कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है आपको तो पता ही, ये हमारा किसका बन गया ग्राफ कॉस एक्स का। अब हमको ग्राफ बनाना है कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर का। ओके तो देखिए मैंने क्या बोला, जो भी एंगल में है ना उसे जीरो के इक्वल करिए, एक्स माइनस पाई बाई फोर है उसको जीरो के इक्वल करिए, एक्स यहाँ से पाई बाई फोर आ गया, क्या हो गया एक्स आपका पाई बाई फोर आ गया। ओके एक्स आपका पाई बाई फोर, आप पाई बाई फोर को प्लॉट कर, ये हो जाएगा पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर सेंटर है ना, तो पाई बाई फोर पर ये क्या होगा वन होगा। देखिए कॉस एक्स का सेंटर जो होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो पर वन है, लेकिन इस कॉस एक्स का जो सेंटर है वो पाई बाई फोर है, इसलिए पाई बाई फोर पर वन है, मतलब ग्राफ पाई बाई फोर शिफ्ट हो गया। देखिए पाई बाई टू पर ज़ीरो है ना, ये पाई बाई टू पर ज़ीरो नहीं होगा, ये वाला ये कहाँ पर ज़ीरो होगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर पर, जो एक्स की वैल्यू निकली है ना आप सब जगह सब्स्टिट्यूट मतलब ऐड करते जाइए और आपका ग्राफ उधर की ओर शिफ्ट होते जाएगा। जैसे आप पहले ज़ीरो पर वन होता था, अब कहाँ पे हो रहा है पाई बाई फोर पर, तो पाई बाई टू पर ज़ीरो नहीं हो गए, कहाँ पर होगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर पर। ओके तो आप ऐसा करते जाओ, तो ये सॉल्व करके आपको मिलेगा थ्री पाई बाई फोर, क्या मिलेगा थ्री पाई बाई फोर, तो ये हो गया थ्री पाई बाई फोर, तो इस पर क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ होगा फाइव पाई बाई फोर, तो देखिए फाइव पाई बाई फोर पर ऐड करिए, देखिए पाई पर माइनस वन है तो पाई प्लस पाई बाई फोर क्या हो जाएगा फाइव पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर पर ये होगा, ये देखो ये पाई बाई फोर ये माइनस वन, थ्री पाई बाई टू पर ज़ीरो नहीं होके कहाँ पर ज़ीरो होगा सेवन पाई बाई फोर, ये क्या हो जाएगा सेवन पाई बाई फोर, सेवन पाई बाई फोर पर ज़ीरो होगा। इसी तरह से आप इधर भी आ जाइए, माइनस पाई बाई टू है ना, तो ग्राफ पाई बाई फोर शिफ्ट हो चुका है, तो माइनस पाई बाई टू में पाई बाई फोर ऐड कर दीजिए, दिस विल बी माइनस पाई बाई फोर, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई फोर पर देखिए माइनस पाई बाई टू पर ज़ीरो है ना, तो माइनस पाई बाई फोर पर ज़ीरो हो जाएगा। ओके देखिए अब नेक्स्ट माइनस पाई पर क्या है माइनस वन है, तो आप माइनस पाई में भी माइनस पाई बाई फोर ऐड करिए, तो दिस विल बी माइनस थ्री पाई बाई फोर, तो ये हो गया माइनस थ्री पाई बाई फोर पर माइनस वन, माइनस थ्री पाई बाई टू पर ज़ीरो है ना, देखिए यहाँ पर क्या करिए माइनस थ्री पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, तो दिस विल बी माइनस फाइव पाई बाई फोर, तो यहाँ पे माइनस फाइव पाई बाई फोर पर ये ज़ीरो हो गया। आप इतना ग्राफ बना दो, इतना ग्राफ काफ़ी होगा, ज्वाइन करिए पॉइंट को।
ये हमारा ग्राफ बन गया किसका। देखिए ये वाला हमारा ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर का, और ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू कॉस एक्स का। ओके क्लियर है, देख लीजिए। सेकेंड पार्ट है y इक्वल टू कॉस टू एक्स का एंड y इक्वल टू कॉस टू एक्स माइनस पाई बाई फोर का। ओके इन दोनों का ग्राफ बनाना है। देखिए मैं दिखाता हूँ कोसेक्स का ग्राफ कैसे बनता है, मैं याद करा देता हूँ। देखिए कोसेक्स का जो ग्राफ अभी मैंने बताया, वो कुछ ऐसा होता है, ये दिस इज माइनस पाई बाय टू वन थ्री पाई बाय टू माइनस, और ये थ्री पाई बाय टू। ओके ये हमारा ग्राफ है किसका, वाई इक्वल टू कॉस एक्स का। अब हम इसी की मदद से ये दोनों ग्राफ बनाएंगे। तो आप पहले एक्सिस बना लो, ओके अब देखिए टू अगर आपके पास रहता है ना एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, अगर है आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, तो इस केस में क्या होता है, स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट x एक्सिस, किसके अबाउट होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट होता है। स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट एक्स एक्सिस। तो अगर आपको नहीं पता चले तो आप बॉक्स बना लो। देखिए मैं दो चार बॉक्स लेके बताता हूँ आपको पहले इसके लिए x y। देखिए cos 2x तो cos 0 पर तो ये 0 हो जाएगा। ओके cos पाई बाई 4 डालिएगा, पाई बाई 4 पर ये 0 हो जाएगा। हाँ 0 पर तो 1 होगा, पाई बाई 4 पर 0 होगा, पाई बाई 2 पर माइनस 1 हो जाएगा, और 3 पाई बाई 4 पर 0 हो जाएगा। ओके तो आप इतना पॉइंट तो आपको मिल ही गया, 0 पर 1 पाई बाय 4 पर 0, पाई बाय 4 पर 0, इधर माइनस पाई बाय 4 पर ये 0 होगा। देखिए पहले कहाँ पर 0 होता था, पहले माइनस पाई बाय 2 पर 0 होता था और पाई बाय 2 पर, तो अब कहाँ पर 0 हो रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके जो कोफिशियंट मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर देते हैं चेक करने के लिए। ओके इसी तरह से 3 पाई बाय 2 पर 0 हो रहा है ना, तो आप 3 पाई बाय 2 में 2 डिवाइड करिएगा 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 आपका पाई से पहले आता है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 1, तो पाई पर क्या होगा, पाई पर 1। थ्री पाई पर 0, 2 से 2 कैंसिल, 3 पाई पर 0, सॉरी 3 पाई पर माइनस 1,
5 पाई बाय 4, हाँ 5 पाई बाय 4 पर जीरो होगा। इतना काफ़ी है। उसी तरह से नेगेटिव की ओर आ जाइए तो -π/2 पर -1 -3π/4 पर 0 -π पर 1 -3π/2 पर 0। तो आप ग्राफ बनाओ तो पॉइंट को जब ज्वाइन करिएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर -5π/4 पर 0 हो जाएगा। ओके तो ये हमारा ग्राफ बन गया y=cos2x का। ये वाला ग्राफ है y=cos2x का। अब y=cos2x-π/4 का ग्राफ बनाइए। तो देखिए अभी ही हमने पीछे बनाया cos x-π/4 का। ये देखिए ये हमारा है cos x-π/4 का। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं यही ग्राफ यहाँ पे बना दे रहा हूँ नीचे, जिससे मुझे यहाँ पर बनाने में आसानी होगी। अब देखिए ये π/4 3π/4 7π/4 -π/4 -5π/4 यहाँ पर -3π/4। यहाँ पर 5π/4। तो ये हमारा ग्राफ था। किसका ग्राफ था? y=cos x-π/4। अब देखिए 2 है ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि -π/2 है और π/2 को दोनों को 2 से डिवाइड करा और ग्राफ बन गया। π/4 तो फिर भी सेंटर रहेगा। ये ग्राफ हमने गलत बना दी। नहीं नहीं सही है जीरो पर, हाँ ठीक है। π/4 पर तो फिर भी यहाँ पर क्या होने वाला है, π/4 पर 1 रहेगा क्योंकि ये सेंटर है। अब देखिए चेंज कहाँ पर होगा, ये 3π/4 है, 3π/4 पर 0 नहीं होगा, कहाँ पर 0 होगा, 3π/8 पर 0 होगा। कहाँ पर 0 होगा, 3π/8 पर 0 होगा। नहीं मैंने क्या बोला था, इसको 2 से डिवाइड करना, तो 3π/4/2, तो दिस विल बी 3π/8। तो 3π/8 क्या होता है, 3π/8 दिस विल बी 45, 22.5 डिग्री, और इनटू 3 करोगे, देखिए ना 3π/8 क्या हो जाएगा, 180, 490, 245। 45 × 3, 135/2।
62.5 डिग्री। तो लमसम लमसम यहाँ पर आ जाएगा आपका पाई बाय 3π/8। देखो ना, 3π/8 डालो भी तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे डाल के देख लीजिए ना, देखिए कॉस 2 3π/8 माइनस π/4, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 π/8। ये ज़ीरो तो नहीं हुआ, थ्री पाई बाय एट पर ज़ीरो नहीं हुआ, ये ना 3π/4 डालिएगा। अगर आपने 3π/4 डाला तो यहाँ ना डालेंगे 3π/4 माइनस 5π/4, दिस विल बी 2π/4, तो पाई बाई पर माइनस 1 हो जाएगा। देखो 5/4 डालोगे π/2 डालिए, देखिए π/2 डालोगे क्या होगा, सॉरी हाँ π/2 पर ज़ीरो होगा, क्या होगा π/2 पर ज़ीरो होगा। 3π/2 डाल के देखिए, 3π/2 माइनस π/4, दिस विल बी 5π/4। तो मतलब 3π/2 पर भी ज़ीरो। लेकिन दो तो बन, दो बनने चाहिए। अगर यहाँ से आप चलोगे, अगर π/2 पर ज़ीरो हो जाएगा तो मान लेते हैं, अगर हम ऐसा ग्राफ बना भी देते हैं तो नेक्स्ट हमको ज़ीरो आसपास में ही मिलना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, देखिए cos 2x का ग्राफ और cos 2, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या बनेगा, 2x माइनस π/2।
मतलब 2x इसमें भी है, 2x और इस 2x इसमें भी है, मतलब ये कहाँ से लैग कर रहा है, पाई बाई फोर से। जैसे अगर आपको बोलता था कॉस एक्स का ग्राफ रहता था और कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर का रहता था, तो आप क्या करते थे, पाई बाई फोर ऐड करते जाते थे। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। देखिए पाई बाई फोर पर ज़ीरो है ना, तो पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर विल बे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पर ज़ीरो होगा। ओके इसी तरह से पाई बाई टू पर ज़ीरो होगा। देखिए पाई बाई कहाँ गया, पाई पे माइनस वन होता है ना, तो पाई प्लस पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर पर दिस विल बी थ्री पाई बाई फोर, तो थ्री पाई बाई फोर पर माइनस वन। तो मतलब आपका ग्राफ अभी तक तो ऐसा बनते हुए नज़र आ रहा है, ये ऐसा बना है। और अब देखिए ज़ीरो पर ज़ीरो हो रहा था ना, तो हाँ ठीक है, माइनस पाई बाई फोर पर ज़ीरो हो रहा था, तो आप क्या करो, माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर करो, तो ज़ीरो पर ज़ीरो हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर अगर आपने माइनस पाई बाई फोर डाला, हाँ तो ये ज़ीरो हो गया। माइनस पाई बाई फोर पर देखिए, माइनस पाई बाई टू पर माइनस वन, तो यहाँ पे ये माइनस वन हो जाएगा। ओके पाई पर वन हो रहा था, पाई पर वन हो रहा था, पाई प्लस पाई बाय फोर, फाइव पाई बाय, पाई पर वन होगा, कॉस टू पाई पे तो ज़ीरो होना था यार, ज़ीरो होना था, ये ग्राफ गलत बन गया। अच्छा मैं इसको सही कर देता हूँ, और ये फिर पाई बाई फोर पर, ये वाला कॉस टू एक्स का ग्राफ गलत बना है, मुझे एक बार चेक करने दीजिए। देखिए थ्री पाई बाय टू पर ज़ीरो होना था, हुआ पाई, पाई यहाँ पे पाई डालिए, कॉस टू पाई, हाँ कॉस टू पाई वन पर वन होना था, बिल्कुल होना था। पाई पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। पाई प्लस पाई पाई बाई फोर पर वन होगा, तो ये पाई बाई फोर पे वन, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक अब इधर का काम हो गया, आप इतना रहने तो काफ़ी है। माइनस वन इस पर माइनस वन, तो अब इस पर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। इस पर वन, ठीक, इस पर माइनस वन, तो ये ज़ीरो। बस ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, वाई इक्वल टू कॉस टू एक्स माइनस पाई बाई फोर का। ओके देखिए ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। देखिए कॉस टू एक्स के केस में माइनस वन था पाई बाई टू पर, माइनस पाई बाई टू पर, तो ऐड किए माइनस थ्री पाई बाई फोर पर ज़ीरो था, तो माइनस थ्री पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कर लेंगे तो काम हो जाएगा, दैट इज माइनस पाई बाई टू पर ज़ीरो हो जाएगा। ओके थर्ड पार्ट है y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू का ग्राफ आपको बनाना है, तो ये ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं, ये आसान है। पाई बाई टू थ्री पाई बाई टू,
माइनस पाई बाय टू माइनस थ्री पाई बाय टू, ये ज़ीरो। ये वन और ये माइनस वन, तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू कॉस एक्स का। ओके अब आप बनाइए ग्राफ y इक्वल टू कॉस एक्स वाई टू का। देखिए जीरो पर तो वन होगा, जीरो पर वन, देखिए पाई पर जीरो होगा, कॉस पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू इज ज़ीरो। पाई बाय फोर पर तो वन बाई रूट टू हो जाएगा, तो कॉस पाई पर ज़ीरो होगा। इसी तरह से कॉस टू पाई पे माइनस वन होगा, थ्री पाई पर ज़ीरो हो जाएगा, बस इतना। उसी तरह से कॉस माइनस पाई पर ज़ीरो होगा, माइनस टू पाई पर माइनस वन होगा और माइनस थ्री पाई पर तो ज़ीरो हो जाएगा। ओके आप वैल्यू रिप्लेस करके देख लीजिएगा, आपका यही बनेगा। और आपको पता है कि जब भी y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स रहे तो ये कंप्रेस स्ट्रेच और कंप्रेस अबाउट x एक्सिस होता है, तो जो भी होगा x एक्सिस के अबाउट होगा। और आपको पता है कि जब a यहाँ पर लेस देन वन है तो ये स्ट्रेच हो जाता है, तो देखिए स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच हो गया। ओके ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू, क्लियर।